दोस्तों, जब स्कूटर चलता है ना तो पेट्रोल से भी चलता है और कभी कभी ये बैटरी से भी इसका इंजन पावर लेता है। देखो ब्लू कोर हाइब्रिड इसमें, लेकिन मैं कहूँगा कितनी भी रगड़ के चला लो तो ये 60 तक का माइलेज आपको आराम से निकाल के देगी। फ्रेंड्स, मेरे सामने खड़े हैं यामा वालों के ये फसिनो स्कूटर 125 सीसी में। इसमें एक टॉप वेरियंट है और इसका एक बेस वेरियंट है। जो ये मेरे सामने ये वाला खड़ा हुआ है, इसका टॉप वेरियंट है और ये इसका बेस वेरियंट है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं कलर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं। इसका जो बेस वेरिएंट है, यानी कि इसमें कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं, सियान ब्लू, येलो कॉकटेल, विविड रेड और मेटालिक ब्लैक। अब इसके अंदर कौन कौन से कलर देखने को मिलते हैं, डार्क मैटी ब्लू, मतलब जो इसका टॉप वेरिएंट है, विविड रेड भी देखने को मिलता है, कूल ब्लू, मेटालिक देखने को मिलता है और मैटी ब्लैक, जो जिस तरह से ये मेरे सामने खड़ा हो मैटी ब्लैक देखने को मिलता है। 125 सीसी में ये स्कूटर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी खासियत इस स्कूटर की मैं बता दूँ, ये स्कूटर हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब मैं आपको बताऊँ कि ये दोस्तों जब स्कूटर चलता है ना तो पेट्रोल से भी चलता है और कभी कभी ये बैटरी से भी इसका इंजन पावर लेता है। देखो ब्लू कोर हाइब्रिड इसमें स्टिकर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या फ़र्क देखने को मिलता है, इसके टॉप में और इसके बेस वेरिएंट में क्या क्या फ़र्क देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो इसका जो बेस वेरिएंट है, वैसे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट, तो इसमें टोटल क्रोम का वर्क हुआ हुआ है देखिए, और इसमें ब्लैक कलर का वर्क हुआ हुआ है देखिए। इस टाइप से इसका लुक लगता है। इसमें सामने की जो लाइट आ जाती है, दोनों ही गाड़ियों में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलती है। और ये देखिए क्रोम का वर्क हुआ है, हैलोजन में इसके इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और इसमें इधर की तरफ ब्लैक। और जो इसके अलॉय व्हील है देखिए, इसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट में ब्लैक कलर का और इसमें आपको गोल्डन कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और डिस्क ब्रेक का जो साइज़ है दोस्तों, वो आगे का डिस्क ब्रेक का साइज़ है 190 mm का, देखिए कुछ इस टाइप से लग रहा है। और देखिए इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है दोनों ही गाड़ियों का, वो 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ये देखिए कुछ साइड से देखने में गाड़ी कुछ इस टाइप से लग रही है। देखिए यहाँ पर फसिनो है और टॉप मॉडल में फसिनो S करके लिखा हुआ मिलता है। बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल और हैंडल बार के बारे में। तो ये मैंने गाड़ी को ऑन कर दिया, कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस है मीटर का। डिजिटल में देखने को मिलता है क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं, आपके इंडिकेटर का आपको फंक्शन देखने को मिल जाता है इसी के अंदर, जो जलेगा देखिए इस टाइप से जल के दिखेगा ये हाई बीम लो बीम का। और आइडल स्विच का देखने को मिलता है, ये देखिए दिख रहा होगा। आइडल स्विच का मतलब बता दूँ कि अगर ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी खड़े हो तो ऑटोमेटिक ये गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे ही एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी, चल जाएगी आगे। और आपका रियल टाइम माइलेज, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में कितना तेल भर हुआ और कितना माइलेज दे रही है गाड़ी, तो वो भी दिखेगा। इको मोड देखने को मिल जाता है और माल फंक्शन की या आपकी जो ब्लिंकिंग है वो दिख रही है। गाड़ी में अगर कोई ख़राबी तो ये कंटिन्यू जलता रहता है, मतलब इंडिकेशन कर देगा कि गाड़ी में कुछ ख़राबी है। ये फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर भी देखने को मिलता है और टाइमिंग भी देखने को मिलता है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है कि अगर आपने इसको यामा की किसी ऐप से इंस्टॉल कराया है और कनेक्ट कराया है तो आपको कौन कौन से फंक्शन देखने को मिलते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये आपका कितनी बैटरी है और कॉल रिमाइंडर और मैसेज रिमाइंडर इसके अंदर देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप से इसका सेटअप है। और क्या क्या फंक्शन देखने को मिलते हैं इसके बटन में, ये आइडल स्विच और इंजन किल स्विच देखने को मिलता है। ये आपको लाइट को बंद करने और खोलने का देखने को मिल जाता है। और ये आपका सेल्फ, और ये आ जाता है आपका पासिंग का स्विच और हाई बीम लो बीम, ये इंडिकेटर, ये हॉर्न ठीक ठाक है। छोटे से बार हैंड भी देखने को मिलते हैं ये देखिए। और ये इसका लीवर देखो कितना स्टाइलिश है, ये इसका लीवर है। और इसके जो मिरर हैं वो काफ़ी स्टाइलिश हैं, देखो इस टाइप से मिरर हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, यामा लिखा हुआ है। और ये देखिए ये भी बढ़िया लग रहा है, और ये वाला इसका लीवर देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसका बूट स्पेस खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसका बूट स्पेस 21 लीटर का इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है और 5.2 लीटर इसमें पेट्रोल भरेगा। और E20 OBD2 में ये गाड़ी देखने को मिलती है, लेटेस्ट है 2023 की BS6 गाड़ी आपको ये देखने को मिलती है। बैक में आपको कुछ स्टेप्स इंटरफेस देखने को मिल जाता है, मतलब पॉइंटेड शेप में इसका बैक प्रोफाइल देखने को मिलता है। और ये आ जाता है इसका मफलर, थोड़ा सा इसमें ये आ जाती है आपकी मेटल की प्लेट आ जाती है। और ये इसका स्टाइप का हैलोजन है, ये देखिए कुछ स्टाइप से ऊपर से देखने में गाड़ी कुछ स्टाइप से लग रही है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी की सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो गाड़ी की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, देखो मेरा हाथ दब रहा है, देखो ये देखो। और ये आ जाती है ग्रैब रेल, मतलब बैक सपोर्ट के लिए भी काम करेगी, काफ़ी मतलब लेंथी है सीट, अगर इमरजेंसी में 3 बंदे बैठना चाहें तो बैठ भी सकते हैं। ये देखो पैर रखने की जगह कुछ स्टेप्स है, ये मिल जाता है, इधर मिलता है इसको हुक,
सामान वगैरह कैरी करने का। गैस का सिलेंडर इसमें दोस्तों नहीं आ पाएगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। देखिए गैस का सिलेंडर इसमें भी नहीं आएगा। ये देखो लाइट जलने के बाद कुछ सेटअप इस टाइप से लगता है, ये देखिए कुछ इस टाइप से है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की एक्चुअल पावर की। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो इंजन लगा है वो 125 सीसी का लगा है और इसकी जो टॉर्क है दोस्तों वो 10.3 एनएम की टॉर्क ये पैदा करता है। और फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी है और काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी भरोसेमंद गाड़ी है। माइलेज बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का। माइलेज की बात करूँ तो अगर बेहतर कंडीशन चलाओगे तो 60 तक का ये माइलेज आपको बहुत बढ़िया, वैसे तो कस्टमर फीडबैक से तो ये 80 तक का भी माइलेज निकालती है, लेकिन मैं कहूँगा कितनी भी रगड़ के चला लो तो ये 60 तक का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। सीट हाइट की बात करूँ तो 780 mm की इसकी सीट हाइट देखने को मिलती है और कर्व वेट जो है वो 99 किलो यानी 99 किलो का इसका कर्व वेट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी टायर की। तो फ्रंट वाला टायर है वो आपका 12 इंची का है और पीछे वाला 10 इंची का इसका व्हील साइज देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको जो टायर है वो 90x90 और बैक का जो टायर है वो आपका 110x90 का आपको बैक वाला टायर देखने को मिलता है। ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और अलॉय व्हील में ये गाड़ी देखने को मिलती है। मैं इन दोनों गाड़ियों से बोलूं कि दोनों ही गाड़ियों में बेहतर कौन सी है, तो दोनों ही गाड़ियां दोस्तों अगर इंजन के हिसाब से लोगे तो दोनों ही गाड़ियों में सेम इंजन है, दोनों ही गाड़ियों का सेम माइलेज है, बस क्या ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करोगे तो दोनों ही गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी ले सकते हो। और फ़र्क कितना है आपको देखने को मिल जाता है, आपको कम से कम 2000 तक का फ़र्क आपको देखने में मिल जाएगा प्राइस रेंज में दोनों ही गाड़ियों के प्राइस के अंतर में। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी आप ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये फसीनो गाड़ी खड़ी है 125 सीसी में, क्या फ़र्क बेसिकली क्या फ़र्क देखने को मिलता है, तो मैं बता दूं दोस्तों कलर का फ़र्क देखने को मिलता है। देखो इसमें गोल्डन कलर का स्टिकर आता है फसीनो एस और इसमें फसीनो सिर्फ फसीनो लिखा रहता है, इसमें कोई स्टिकर देखने को नहीं मिलता है। अलॉय व्हील में फ़र्क देखने को मिल जाता है, अलॉय व्हील आपके इसमें ब्लैक है, इसमें गोल्डन कलर के, और इसमें क्रोम का वर्क है, इसमें ब्लैक कलर का, यही मेन फ़र्क यही देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके एक्शोरूम प्राइस की। तो दोस्तों जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो भल्ला ऑटो व्हील्स, ये रसलगंज में पड़ता है, अलीगढ़ से मैं बात कर रहा हूँ, इस यामा का शोरूम। तो इसका जो बेस मॉडल है, इस वाले का जो आपका एक्शोरूम प्राइस है वो 91,390 रुपये है, 91,390 रुपीज़। और इसका जो ये टॉप वेरिएंट है, इसका जो आपका एक्शोरूम प्राइस है वो 93,390 रुपीज़, इसका आपका एक्शोरूम प्राइस है। तो अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, किसी भी सिटी से हैं तो उसका ऑन रोड प्राइस आपको बता दूंगा। तो बस यही जानकारी थी इन दोनों स्कूटर्स के बारे में, कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।